आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्ट्रेस फ्री कैसे होना एक पर्टिकुलर विषय को लेकर, और वो है कि हम लोगों को पैसे उधार देते हैं और उधार देने के पहले, मतलब आंग पे देते हैं, तो उधार देने के पहले हमने क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम पैसे देते हैं और पैसे वापस आते नहीं है तो हमको आता है टेंशन, हमको आता है स्ट्रेस, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और उससे स्ट्रेस फ्री कैसे रहना चाहिए उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। क्या होता है कि 90% लोग जिन्होंने आपसे पैसा मांगा है, जिनको आपने पैसा दिया हुआ है, उसमें से करीब करीब ऐसे लोग होंगे 90% लोग कि जो टाइम पे पैसा वापस करते नहीं है। 10% ही लोग रहते हैं कि जो बराबर टाइम पे आके आपको पैसा देंगे या उसका ब्याज देंगे जो भी है, मगर आपको मांगना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है तो देते हो। मतलब पैसे अपने और टेंशन भी अपने को, पैसे ही अपने और टेंशन अपने को है कि अभी क्या अपने को पैसे मिलेंगे वापस, नहीं मिलेंगे। और जब वो मांगते हैं तब कुछ लोग उनके ऊपर रहम खाते हैं, बेचारा दे दो इसलिए देते हैं। कुछ लोग बुरा दिखेगा उसको क्या लगेगा इसलिए देते हैं। कुछ लोग सोशल वर्क करना है करके देते हैं, पता नहीं अपने दिमाग में आपके क्या क्या चालू रहता है, मगर आप देते हैं। और फिर जब आते नहीं है तो आपको टेंशन आता है कि अभी क्या करना। तो इसके लिए पहला नियम या पहली टिप जो है वो है कि आपको आपको ये देखना है कि आपको उधार देना आपको पूर्ता क्या, मतलब आप भावनाओं के बलि पड़ रहे हैं और किसी को भावनाओं में आके उधार दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? बेचारा कोई नहीं है, देना पड़ता है, दे दो, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, भावनाओं में आके दे रहे हैं, और आपको गरज है तभी भी आप उसको दे रहे। तो सबसे पहले पूछो कि आपको किसी को उधार देना आपको पूर्ता है क्या, सबसे पहले पूछो। यदि आपको ही तकलीफ हो के आप किसी को उधार देने वाले हैं तो नहीं देने का, बोलना नहीं मैं नहीं दे सकता, नंबर एक। नंबर दो जो है ये पूछो उसको कि आपको जो उधार चाहिए वो काय के लिए चाहिए, क्यों चाहिए। मतलब हम बैंक में, मैं बैंक का चेयरमैन भी हूं, हम उसको पूछते हैं जो लोन लेने के लिए आता है कि भाई एंड यूज ऑफ फंड क्या है, आप हमारा पैसा लेकर जाने वाले हैं उसका इस्तेमाल आप कहाँ करने वाले हैं। यदि वो बोल रहा है कि मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ मौज मजा करने के लिए, मेरे को तो टूर करने का है उसके लिए कर रहा हूं, है ना, तो बहुत कठिन काम है, या शादी के लिए खर्चा करने वाला हूं तो फिर क्या मतलब है। वैसे ही यदि वो बोल रहा है कि मुझे बीमारी है घर में और उसके ऊपर मैं खर्चा करने वाला हूँ, डायलिसिस करना है या और कुछ करना है उसके लिए मैं, तो फिर आपका पैसा वापस कैसे आएगा? क्योंकि आपका पैसा जब वो ले रहा है, वो पैसे से जब वो पैसा कमाएगा तभी आपका पैसा वापस ला के देगा। और ये पैसे से पैसा कमाता नहीं है, इसका मतलब उसने अभी तक उसकी जिंदगी में जो भी पैसा कमाया है वो कुछ बाकी रखा नहीं अपने पास में, डिपॉजिट जमा रखा नहीं है, हाथ ऊपर है, जितना कमाता उतना खर्चा कर देता है, फिर आपका पैसा कैसा वापस करेगा? तो उसके घर में कोई बीमार भी है और वो पैसा मांगने आया है, तो आपने देने का नहीं है, आपको बोले चलो अपन क्या करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएंगे, यदि पैसा नहीं है तो मैं आपको लेके जाता हूँ, आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, महात्मा फुले योजना जो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में है, जैसा हमने यहाँ चालू किया अकोला में कि वहां महात्मा फुले योजना है, फ्री ट्रीटमेंट होती है, वहां चलो। मगर उधार पैसा किसी को डायलिसिस करने के लिए, हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए यदि आप देंगे तो आने का चांसेस बहुत कम है। तो ये आपको देखना है कि भाई आपने उसको देना है क्या, अब वो कुछ ले रहा है तो कुछ उसका करने वाला क्या है। तो नंबर तीन जो है कि वो आपके तरफ कोई सिक्योरिटी देने को तैयार है क्या, सिक्योरिटी कोई गहन रखने को तैयार है क्या। साहूकारी लोग करते हैं, अभी भी लोगों के पास में साहूकारी लाइसेंस है, बोलते कि गोल्ड लाके रखो, सोना सोना लाके रखो, हम पैसा देंगे। तो आप कोई सिक्योरिटी आपको दे रहा क्या वो, कि बस ऐसे पैसे लेके जा रहा है 10,000, 50,000, 1 लाख, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसकी सिक्योरिटी आपको मिल रही क्या वो देखना है। ये दो नंबर का पॉइंट है, एंड यूज ऑफ फंड क्या है। तीसरा जो है कि उसको सचमुच पैसे की जरूरत है क्या, सचमुच जरूरत है क्या। वो जरूरत है ठीक है, तो फिर वो पैसे कैसे वापस करने वाला है आपके, तो पूछो।
बोलना तो पैसे कैसे वापस करने वाला है भाई, बताओ। पैसे तो लेके जा रहा है, अभी तक तूने पैसे तो कभी अपने पास में रखे नहीं जमा, आज तेरे को पैसे मांगने की नौबत आ गई, तेरे पास पैसे बिल्कुल जमा नहीं है। मतलब तू जितना कमाता उतना खर्चा कर देता, अभी ये मेरे से पैसे लेके जाने वाला है, तो ये पैसे वापस कैसे करने वाला है तू, ये बताओ भाई। तो उसके पास में कुछ वैसा प्लान है क्या आपके पैसे वापस करने का? कोई प्लान नहीं है, बस पैसे ही लेके जा रहा है वो, आपके पैसे आने के कोई चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। तो नंबर चार, जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप लिखित एग्रीमेंट करो, इसको भी जरा लिखित एग्रीमेंट करो, 100 बका 1 लिखा ऐसा बोला जाता है। लिखित एग्रीमेंट करो, बोला भाई लिख के दे, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर ला, उसके ऊपर लिख दे तेरे को पैसे कैसे दिए मैंने, कैश मत देना किसी को, देंगे तो चेक दे दो, आरटीजीएस करो, ऑनलाइन ट्रांसफर करो, और आपके पास में फिर ऑनलाइन पुरावा रहता है, प्रूफ रहता है कि मैंने इसको पैसे दिए है करके, उसके पास से चेक ले लो, एक गारंटी का चेक ले लेना है, और अटी और शर्ती लागू करके पूरे अट और शर्त जो भी है वो लिख के लेना है कि कब वापस करने वाला है, उसको पैसा पैसा मिला, उसकी सिग्नेचर, दो और पुरावेदार उनकी सिग्नेचर, और उसमें लिखना है कि ये मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूँ, ये मेरा कोई साहूकारी व्यवहार नहीं है, ऐसा लिखना है कागज के ऊपर। ये कोई साहूकारी आप कर नहीं रहे, उसको पर्सनल यूज के लिए दे रहे हैं, उसके व्यक्तिगत यूज के लिए दे रहे हैं, ऐसा कागज के ऊपर आना चाहिए। कागज के ऊपर वो नहीं आना चाहिए कि भाई उसने आपको चेक दिया है, वो नहीं आना चाहिए उसका उल्लेख, क्योंकि यदि उसका उल्लेख पहले ही आ जाता है तो फिर वो चेक काम का नहीं होता है कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ। चेक लेना है मगर उसका मेंशन नहीं होना है वो एग्रीमेंट के ऊपर कि मैंने आपको चेक दिया है। फिर आपके खाते में पैसा नहीं है और आप लोगों को बैंक बैलेंस दे रहे, आपका निकाल के, मतलब आपके खाते में पैसा नहीं है, बैंक में आपने पैसा कुछ रखा है अपने काम के लिए, अपने इमरजेंसी के लिए, और वो बैंक में आप लोगों को दे रहे, या आपके पास में पैसा नहीं है, आप इधर उधर से पैसा मांग रहे हैं और उसको देके रहे, क्योंकि उसके ऊपर आपका वहम आ रहा है, रहम कर रहे उसके ऊपर आप, तो आप रहम कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप इधर से जमा करते हो और उसको देते हो, ये सोशल वर्क किसने बोला आपको करने के लिए, क्योंकि उसने पैसा वापस नहीं दिया तो अपने ऐसी तैसी उधर हो जाए। तो आपने उधार मांग के एडजस्ट करके किसी को पैसा देना नहीं है। और कोई पॉइंट बता रहा हूं, आपके पास में वो पैसा वापस नहीं आया तो आप क्या करने वाले, उसका भी प्लान आपके पास में है क्या? क्योंकि आपने और किसी को बोल के रखा हुआ है, आपने सोचा है कि भाई अपने घर में शादी है 6 महीने बाद, नहीं तो भी अपने अपने पैसा जमा करके रखा है, ये बोल रहा है व्यक्ति सामने वाला कि मैं 3 महीने बाद में आपको पैसा लौटा दूंगा, अपने यहाँ शादी 6 महीने बाद में, अपन उसको दे सकते हैं पैसा, इसलिए आपने पैसा दिया, आपकी शादी तो पक्की 6 महीने बाद में है, इधर से पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे आप? तो फिर आपके पास में बैकअप प्लान है क्या कि ये पैसा वापस नहीं आया तो ये पैसे के पेटे आप जो खर्चा करने वाले हैं वो खर्चा आप कहाँ से करेंगे, ये पैसा यदि आपके पास में वापस नहीं आया तो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक और मजे की बात बताता हूँ, मजे की बात ये है, हम क्या करते थे, हम जब हॉस्टल में रहते थे ना स्टूडेंट के लाइफ में, आप अभी भी कर सकते हैं, हम स्टूडेंट के लाइफ में करते थे, तो किसी ने आपको पैसा मांगना, अरे भाई मेरे को 100 रुपये होना, 50 रुपये होना, 150 होना, कोई दोस्त आता मांगने के लिए, फिर देता नहीं है, अच्छा भी लगता नहीं है, तो हम क्या करते थे, मतलब मैं क्या करता था, मैं लोगों को उधार मांगता था पैसा, अपने को जरूरत नहीं तभी तो पैसे मांगना और उधार ही अपने आंख पे रखना, ताकि लोग मांगे इसके पास पैसे रहते नहीं, यही तो उधार मांगता है, तो अपने उधार मांग लिया तो अपने पास में कोई आता नहीं था कि भाई ये तो हरदम उधार मांगे, इसको पैसे नहीं है तो अपन ने इसको क्यों जाना पैसे मांगने के लिए, तो अपन ने कर्जा लेके रखना लोगों का, बोले आपको जरूरत नहीं तभी भी लेके रखना है, ताकि लोग आपके पास में पैसा मांगने के लिए आएंगे नहीं, कि उनको मालूम है कि इसने पहले कर्जा लेके रखा और आप काहे को मांगना है इसको, ये ट्रिक है, ये आपको मैंने बताया। तो ऐसे इस तरह से आपके जो पॉइंट है कि आप किसी को पैसा देते हैं तो आपने ये पॉइंट ख्याल में रख के ही पैसा देना है। देखो पैसा देने के बाद में जब पैसा वापस नहीं आता है तो आपके संबंध बिगड़ जाते हैं, आपका पैसा भी गया और संबंध भी बिगड़ गए, उससे अच्छा यह है कि आप उसको नहीं बोलो भाई, नहीं बोलने से पैसा पैसा नहीं दिया और आपके संबंध बिगड़ गए तो चलता है, पैसा तो बच गया अपने पास कम से कम, इधर क्या हो गया, पैसा भी गया संबंध भी बिगड़ गए, क्योंकि अभी आपने केस किया,
आप पैसा मांग रहे हैं, झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, दोनों भी हो गई। फिर तीसरा, आपको छोटा छोटा पैसा देना है किसको, किसने मांगा भाई 500 रुपये होना, 1000 रुपये होना, ऐसा किसने मांगा। तो आप ये समझ के दो कि ये अपन डोनेशन में दे रहे, ये पैसा वापस आने वाला नहीं है। अब परसों मेरे तरफ एक जन आया, बहुत कोई खास परिचित नहीं है, परिचित नहीं मेरे, और वो आया एकदम जल्दी जल्दी में आ गया। बोले मेरे को 2000 रुपये होना। मैं क्या हो गया भाई? नहीं, मेरे को 2000 ही कम पड़ रहे। बोले एक को पेमेंट करना, मेरे को सिर्फ 2000 कम पड़े, मेरे को 2000 दे। अब मुझे मालूम है कि 2000 गए, ये पैसे वापस आने वाले हैं, और मेरे दिमाग में रहेगा कि ये पैसे इसके पास में है। मैं बोला ऐसा कर, मेरे पास में बैंक है, पद संस्था है हमारी, तो वहां जा, आपको तुरंत मिल जाए। नहीं, बोले बैंक में गए, पद संस्था में गए तो बहुत टाइम लगता है। बोला कुछ टाइम लगेगा ना, मैं फोन कर देता हूँ आपको, 1 घंटे के अंदर आप सिर्फ सहाय करो तो आपको पैसा मिल जाए। वो गया बैंक में, फिर बैंक में उसको बोला भाई एक तू चेक दे दे, कम से कम एक चेक तो दे दे और सहाय कर। उसको समझ में आया तो बहुत पकड़े में लेके ले रहे भाई 2000 रुपये के लिए। बोले ठीक है जाता हूँ। बोले मैंने, मेरे को नहीं होना। अब वो चले गया, मेरे को मालूम है कि ये पैसे आने वाले नहीं थे, गया तो गया, चलता है मेरे को। नहीं तो फिर मैंने ऐसे देना चाहिए कि 2000 रुपये गए। ठीक है, तो ये मैं, मुझे कुछ बोलना था डेफिनेटली। मुझे विश्वास है कि आपको ये पॉइंट जो है वो काम में आए होंगे और काम में आएंगे डेफिनेटली, और आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये विश्वास है आप में, मैं मेरा वक्त पे समाप्त करता हूँ। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।